Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muazziz Samin, Assalamu Alaikum. I am Hania. I am belong to classroom. Today my topic is defense. दुश्मन की आंख उठने से पहले झुका देंगे, कमजोर जो हमको समझा उसका नाम और निशान मिटा देंगे, हमको ये दर्स मिला है दरबार मुस्तफा से। 6 सितंबर 1965, किसी तारीफ का मोहताज नहीं। 6 सितंबर 1965 को भारत ने जब रात की तारीख में बजरवानिया पाकिस्तान के शहरों पर हमला किया और आगाज जंग किया, सरहद के माफी ने डट कर मुकाबला किया और जनरल खान ने रेडी पाकिस्तान पर कौन से किताब में पूरी कौम को बेदार कर दिया और बताया कि भारत ने रात की तारीख में बजरवानिया पाकिस्तान के शहर लाहौर पर हमला कर दिया है। लेकिन वो ये नहीं जानता उसने किस कौम को ललकारा है। हम कलमा तैयब का विट करते हुए दुश्मन के सामने से सप्लाई दीवार बनकर बढ़ेंगे और उस वक्त तक लड़ते रहेंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा हमेशा के लिए ठंडा नहीं कर देते। पूरी कौम किताब सुनकर बेदार हो गई और एक हो गई। पाकिस्तानी अफवाज के साथ मिलकर कौम का दिफा किया, कोई शहीद हुआ तो कोई गाजी बनकर लौटा, किसी को निशान हैदर तो किसी को निशान जिद्दत से नवाजा गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, शहीद का जो लहू है वो कौम की ज़कात है। इस जंग में शुजात बहादुरी की नई दास्तान रकम हुई। गयूर कौम और बहादुर अफवाज ने मिलकर अपने आज़म इस्तक़लाल से अय्यारों मक्का दुश्मन के नापाक अज़ाइम को ज़मीं बोझ कर दिया। कभी हमारे बाज़े फ़ख्र एमएम आलम ने एक मिनट के अंदर दुश्मन की 5 तैयारों को तबाह कर दिया, तो कभी मेजर तुफैल, तो कभी यूनुस खान, तो कभी राशिद मिराज जैसे बहादुरों ने उनके तैयारों का रुख मोड़ दिया, तो कभी मेजर अजीज भट्टी ने अपने तो कभी मेजर अजीज भट्टी की सूरत में जिसने अपने जिस्म पर बम बांध का ऐलान कर दिया, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो जाए मैं दुश्मन को सबक सिखा कर ही रहूँगा, तो कभी मकबूल हुसैन जैसे बहादुर सिपाही ने अपनी कटी जबान के बहते लहू से दीवार जिंदगान पर लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पूरी कौम एक माला के दानवीर वहादत की लड़ी में पिरो गई। जो तोपों की टैंक वो लड़ने के लिए लाए हमारे महाफिजों ने उसी का कब्रस्तान बना दिया। इस जंग ने एक बार फिर माजी की शानदार यादों को ताज़ा कर दिया। जंगे बदर हो या हो, तबूक हो या खंदक, या फिर हो दिफाए पाकिस्तान, मुसलमान हमेशा सुरखुर होता आ रहा है और होता रहेगा। काफिर है तो ताबा तकदीर है मुसलमान, मोमिन है तो वो आप है तकदीर इलाही, काफिर है तो करता है तलवार पर भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही, मरते हैं उठते हैं लेकिन झुकते नहीं, ए मेरे वतन तेरे ये बहादुर कभी बिकते नहीं। शुक्रिया।